वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम रुचि गुप्ता, योर इवेस्ट टीचर। बच्चा, हम लेसन 9th रीड कर रहे थे, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन 9th? द नेम ऑफ लेसन 9th इज बर्ड्स। व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन 9th? द नेम ऑफ लेसन 9th इज बर्ड्स। क्लियर बेटा? हमने जो कल रीड किया था, लेसन 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैं भूल गई थी, कंप्लीट हो चुका था। और ये वाला मैम ने आपको होमवर्क भी दिया था। तो इसमें क्या था, मैम ने कहा था आपको सेल्फ करना है। अब मैम आपको बता देते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स ऑफ ईच काइंड कैन नॉट फ्लाई। वैसे मैम को बिल्कुल आंसर्स नहीं बताने चाहिए, लेकिन फिर भी मैम आपको बता रहे हैं। कैन नॉट फ्लाई विच बर्ड? ऑस्ट्रिच एंड कीवी। हैव स्ट्रेट पॉइंटेड बीक। स्ट्रेट पॉइंटेड बीक कौन से बर्ड्स के होते हैं? वुड पैकर्स एंड हॉपर्स। थर्ड, हैव शार्प हुक्ड बीक। शार्प हुक्ड बीक किसके होती है? ईगल्स एंड वल्चर्स। नंबर फोर्थ, फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। जो शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं वो कौन से बर्ड्स हैं? हैंस एंड पिकॉक्स। नंबर फिफ्थ, फ्लाई एट लो हाइट। लो हाइट में कौन से बर्ड फ्लाई करते हैं? स्पैरोज एंड बुलबल्स। विच बर्ड? स्पैरो एंड बुलबल। ओके, आपने भी ऐसा ही किया था या करा ही नहीं था? होमवर्क करा था या करा ही नहीं था? बेटा देखो, मैम इस टाइम आपका नहीं देख पा रहे हैं, बट आप चीट करेंगे तो अपने साथ करेंगे, इसलिए चीटिंग नहीं करनी है, बल्कि सेल्फ डिपेंड होकर अपनी स्टडी करनी है। मैम जैसे जैसे करवा रहे हैं, आपको बिल्कुल ट्रूली अपना वर्क करना है। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल करेंगे। नंबर सी, मैच द कॉलम्स। देयर मे बी मोर देन वन आंसर। इन कॉलम्स को मैच करने हैं। अब ये है होमिंग बर्ड में नंबर वन इनमें से कौन सा है? होमिंग बर्ड की कैसी बीक होती है? लॉन्ग एंड कर्व। होमिंग बर्ड की कैसी बीक होती है? लॉन्ग एंड कर्व। होमिंग बर्ड्स क्या ईट करते हैं? क्या करते हैं वो? फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं। क्या करते हैं? फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं। नंबर टू, वुड पैकर की स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक होती है। वो लोग ट्रीज में से इंसेक्ट्स को लेकर के खाते हैं। नंबर थर्ड, पैरट की हुक्ड बीक होती है। पैरट की कैसी बीक होती है? हुक्ड। और ये तो आप सब जानते हैं, पैरट क्या लाइक करती है? चिली। वाह, उसको बहुत पसंद होती है। पीजियन की शॉर्ट एंड हार्ड बीक होती है, जिससे वो ग्रेन्स, शीट्स इन्हें ईट करते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ इज स्टॉर्क। स्टॉर्क का लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है। ये अपने लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक से फिश को ईट करते हैं। क्लियर बेटा, ये हमें क्लियर हो गया है। राइट, नंबर डी वाले में हमें करना है राइट, ट्रू और फॉल्स। ईगल्स एंड वल्चर्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। क्या ईगल और वल्चर बहुत लंबे डिस्टेंस फ्लाई करते हैं? लॉन्ग तो करते हैं, बट डिस्टेंस नहीं। क्या करते हैं? इन द स्काई में लॉन्ग फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रॉन्ग है हमारा, फॉल्स। बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट बाय थ्री वेज। बर्ड्स ज़्यादातर तीन तरह से कम्युनिकेट करती है। क्या थ्री तरीके से करती है? नो, हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, कॉल एंड सॉन्ग। नंबर थर्ड, द शार्प, तो ये फिर क्या हुआ बेटा? फॉल्स। क्लियर, क्योंकि वो थ्री वे से नहीं करते हैं, वो टू वे से करते हैं, कॉल एंड सॉन्ग से। नंबर थर्ड, द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड बर्ड्स ईट। जो बर्ड्स की बीक होती है उसकी जो शेप होती है वो डिपेंड करती है वो किस तरीके का फूड खाती है अपनी बीक से। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, यस, वो अपनी बीक के अकॉर्डिंग ही फूड गिन करती है। एंड आउल कैन
रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ये तो मैम ने अच्छे से बताया था। आउल अपनी जो नेक होती है उसको पूरी तरीके से बैकवर्ड तक रोटेट कर लेता है। कर लेता है, यस ट्रू। सो इट इज ट्रू। क्लियर बेटा, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑनली क्वेश्चन आंसर हमारे लीव रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे रहे हैं, वो हम कल कर लेंगे। अच्छा बच्ची, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क टू योर मैम, ओके। अपनी मैम से आस्क करिए, पूछिए। मैम आपको मना थोड़ी ना कर रहे हैं बताने के लिए, आप पूछिए ना। बट जब तक पूछेंगे नहीं तो मैम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए और अच्छे से रीड करिएगा चैप्टर। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।